हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू अवर चैनल कंप्यूटर एकेडमी IEC। आज हम एक्सेल के अंदर इंसर्ट टैब को कंप्लीट करेंगे और वो कमांड्स करेंगे जो हमने पहले नहीं किए। जैसे इंसर्ट के अंदर हमने पाइवट टेबल वाली कमांड कर ली है, चार्ट वाली कमांड हमने कर ली है, और उसके साथ ही हमने ये पिक्चर, क्लिप आर्ट, शेप, स्मार्ट आर्ट, स्क्रीन शॉट, ये सारे सारे हमने वर्ड में किए। सेम होती है जो MS वर्ड में है, वही सेम इसमें एक्सेल में होती है। और ये जो हाइपरलिंक, टेक्स्ट बॉक्स, ये सारी कमांड्स हमने MS वर्ड में कर लिए, यहाँ टेक्स्ट वाली, सिंबल वाली। बस इसमें एक हमने सिग्नेचर लाइन वाली कमांड है वो नहीं की, जो हम एक्सेल में करेंगे। बाकी इंसर्ट टैब की लगभग हमारी सारी कमांड हुई है। अगर आपको ये सारी कमांड देखनी है तो आप पाइवट टेबल के लिए हमारी अलग क्लास लगी हुई है, जिसके अंदर मैंने पूरा पाइवट टेबल को सिखाया है। चार्ट के लिए एक अलग क्लास बनाई हुई है जिसमें अपने पूरा चार्ट को किया है। और इसी तरीके से ये चीज़ देखनी है जो आपने पिक्चर, क्लिप आर्ट, शेप और वर्ड हेडर, फुटर, ये सारी चीज़ें देखनी है अगर आपने टेक्स्ट बॉक्स, तो ये आप हमारी MS वर्ड की क्लास में देख सकते हैं। तो अब जो इंसर्ट की कमांड्स पेंडिंग है वो हम करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इंसर्ट। देखिए, इंसर्ट का मतलब है कि हम अपने MS Excel की इस शीट में कुछ नई चीज़ इंसर्ट करेंगे। पाइवट टेबल चार्ट इंसर्ट करना हमने सीख लिया है, अब बस ये है कि ठीक है। और नेक्स्ट अब अपने करेंगे इसके अंदर जो कमांड्स हमारी पेंडिंग पड़ी हैं वो ये, जैसे ये लाइन, कॉलम, विंडोज। देखिए, ये कोई खास कमांड होती नहीं। स्पार्क लाइन्स के अंदर तीन कमांड्स है। लाइन, देखिए, ये भी एक छोटा सा चार्ट बनाता है, बट किसी एक ही फील्ड के लिए चार्ट बनाता है। जैसे मैंने यहाँ कर्सर रखा, मैंने कहा मुझे लाइन का चार्ट बनाना है। किसके लिए बनाना है? साइंस के नंबर्स के लिए मुझे लाइन का चार्ट बनाना है, और मैंने ओके किया। तो देखिए, साइंस के नंबर का जो लाइन चार्ट है यहाँ दिखा दिया। आप इसको बड़ा करके स्क्रीन को देखिए, ये देख सकते हैं, तो ये लाइन चार्ट आपको दिखा देगा। कोई ज़्यादा खास चीज़ नहीं होती इसके अंदर। इसी तरीके से अगर मुझे इसी में ही कॉलम का चार्ट, कॉलम के चार्ट के रूप में देखना है, तो मैंने कहा मैथ के नंबर कॉलम के चार्ट के रूप में देखनी है, तो ये मैथ के नंबर दिखा रहा है कि किस हिसाब से नंबर है। देखो, 78, 99 ऊपर चला गया, फिर 48, इस तरीके से चार्ट दिखाएगा। और नेक्स्ट है विन लॉस वाला ऑप्शन। विन लॉस वाला ऑप्शन पॉजिटिव और नेगेटिव के हिसाब से होता है। जैसे मान लो मैंने ये उठाया और मैंने कहा चलिए इसके अंदर मैं विन लॉस को हिंदी के नंबर के हिसाब से देखना चाहता हूँ। ओके किया मैंने, ये आ गया। अभी सारे देखिए पॉजिटिव वैल्यू है तो सारे ब्लू में है, लेकिन अगर मैं इसमें कोई एक नेगेटिव कर देता हूँ, जैसे मान लो मैंने ये नेगेटिव कर दी, तो देखिए वो नीचे एक नेगेटिव आ गई। कोई और भी अगर अपने नेगेटिव करते हैं, कोई भी नेगेटिव वैल्यू, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव के हिसाब से आपके चार्ट को क्रिएट करेगा। तो ये देखिए, ये तीन चीज़ें यहाँ आती है। तो ये कोई खास कमांड होती नहीं है, इतने ज़्यादा इसका यूज़ नहीं किया जाता। अपने अंडू करके इन सबको हटा देते हैं, नॉर्मल कर देते हैं। अब बात आती है हमारे पास इंसर्ट टैब के अंदर ही एक जो अलग कमांड है, वो है सिग्नेचर लाइन। इंसर्ट टैब में चार्ट और पाइवट टेबल के अलावा एक सिग्नेचर लाइन ऐसी कमांड है जो MS वर्ड में नहीं होती, इसमें है, अपने अभी से करेंगे। देखिए, सिग्नेचर लाइन जो कमांड है इसका यूज किया जाता है कि आपकी जो फाइल आपने बनाई है उसके नीचे अपना सिग्नेचर कर देने के लिए कि बस ये काम यहाँ कंप्लीट हो गया। जब आप सिग्नेचर लाइन का यूज कर लोगे तो उसके बाद आपकी फाइल में कोई चेंज नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो सिग्नेचर लाइन इसके लिए यूज की जाती है। नीचे लिखा भी हुआ है, इंसर्ट ए सिग्नेचर लाइन दैट स्पेसिफाई द इंडिविजुअल वू मस्ट साइन। इंसर्टिंग ए डिजिटल सिग्नेचर रिक्वायर दैट यू ऑप्टेन ए डिजिटल ID, ठीक है, सच एज वन ऑफ ए सर्टिफाइड माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर। उसने क्या कहा है कि आप क्या करोगे, इसमें एक डिजिटल सिग्नेचर डाल दोगे और बता दोगे कि मेरा आज का काम इतना कंप्लीट हुआ था। और जब आप एक डिजिटल सिग्नेचर इसमें डाल दोगे, तब उसके बाद आपकी इस टेबल में कोई चेंजेस नहीं हो पाएगा, यानी आपने जितना काम किया उतना फिक्स हो जाएगा। और ये किया कह जाता है, सपोज मेरे आज का काम इतना था, मैंने कंप्लीट कर लिया, अब मैं चाहता हूँ कि ये काम कंप्लीट है, इसको सिग्नेचर करके मैं फुल एंड फाइनल करना चाहता हूँ। देन मैंने कहीं पे भी कर्सर रखा और सिग्नेचर लाइन पे गए, हमने सिग्नेचर लाइन पे क्लिक कर देंगे। अब इसके बाद ये सिग्नेचर का कह रहा है, हम कहते हैं चलो ओके। ओके करके सबसे पहले सजेस्ट सिग्नेचर, मतलब कौन सिग्नेचर कर रहा है, जो भी एम्प्लॉय काम कर रहा है, जो भी वर्कर काम कर रहा है, वो अपना नाम डालेगा यहाँ कि भाई इस वर्कर के सिग्नेचर हैं। उसकी पोस्ट क्या है, यानी सजेस्ट सिग्नेचर टाइटल, उसका टाइटल क्या है, पोस्ट क्या है। मैंने कहा जैसे मैं अपना नाम डाला है मैंने, तो मैंने यहाँ डाल दिया डायरेक्टर, और ये ए भी कैपिटल है, मैं इसको भी सही कर देता हूँ, दिस वन, ठीक है। अब सिग्नेचर ईमेल एड्रेस, मान लो मैंने अपना ईमेल एड्रेस डालना है यहाँ पे, मैंने ईमेल एड्रेस डाल दिया और ये मेरा ईमेल एड्रेस कन्फर्म हो गया। और मैंने इसमें क्या कर दिया, अलाउ द सिग्नर टू एड कमेंट्स इन द सिग्नल एड्रेस, इसको अलाउ कर दो और ओके कर दो। तो ये देखिए यहाँ पे अब सिर्फ एक बॉक्स आया है, अभी कुछ सिग्नेचर लगा, आप कहीं पे कुछ लिखोगे ना, लिखा जाएगा, नॉर्मल तरीके से काम होगा। लेकिन जब मैं इसमें यहाँ क्रॉस की जगह पे जहाँ है वहाँ अगर अपने साइन कर देंगे, तो उसके बाद ये लॉक हो जाएगी फाइल, ठीक है। तो कैसे करेंगे अपने उसको,
तो हम जहाँ ये सिग्नेचर मेरा इंसर्ट हुआ है, मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करते ही यहाँ पे साइन का ऑप्शन आएगा, आप इस साइन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आ गया ऑप्शन, आप यहाँ पे जो भी आपका साइन है या तो आप लिख दीजिए, साइन हो जाएगा, जैसे मान लो मैंने लिख दिया सचिन, या फिर आपने कोई इमेज रखी हुई है तो वो आप इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। चलो पहले अपने पर्पज ऑफ द साइनिंग द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को साइन करने का पर्पज, ये ऑप्शनल है, आप नहीं लिखना चाहते छोड़ दीजिए, ठीक है। और ये आपका साइन इन कैसे हो रखा है बता रखा है, तो हमें नॉर्मली यहाँ पे सिर्फ साइन करना है अपना। हमने साइन किया और साइन पे क्लिक कर दिया, यस कर दिया, सर्टिफाइड कर देगा और ओके कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे आपका सिग्नेचर आ चुका है, सिग्नेचर आईडी आ गई, यहाँ पे आईडी भी आ चुकी है सिग्नेचर, ठीक है। अब आपकी जो फाइल है इसमें कोई भी प्रकार का चेंज नहीं होगा। देखिए कमांड सारी ऑफ हो चुकी हैं, कहीं पे भी चले जाइए आप, ये सारी कमांड्स आपकी ऑफ पड़ी हैं क्योंकि हमने साइन कर दिया है इसके अंदर। अब ये कमांड्स नहीं चलेंगी आपकी, देखिए कहीं पे भी क्लिक करके रखो तो ये देखिए, अगर आप कीबोर्ड से कुछ लिखोगे तो भी नहीं लिखा जाएगा। तो ये क्या है, आपका डिजिटल सिग्नेचर हो गया और अब आप इसमें काम लॉक कर सकते हो अपना। डिजिटल साइन होने के बाद अब आप इसको हटाना है, राइट क्लिक कीजिए, साइन डिटे इस पे जाइए, साइन अगेन, ओके। और मैं यहाँ क्या करता हूँ, अब की बार मैं नाम की जगह फोटो लगाता हूँ, साइन पे जाता हूँ। अब आपके पास कहीं ना कहीं फोटो, चलो ये खुल गया एक ऑप्शन, यहाँ पे एक ये साइन पड़ा है कोई, मैं इस साइन को उठाता हूँ और सिलेक्ट कर देता हूँ और साइन पे क्लिक कर देता हूँ। आपके कंप्यूटर से जहाँ आपकी इमेज पड़ी है वहाँ से उठाया और ये साइन कर दिया, तो ये आपकी साइन हो चुका है। तो इसी को डिजिटल सिग्नेचर कहा जाता है। जब आपको ये हटाना हो राइट क्लिक करेंगे और रिमूव सिग्नेचर कर देंगे, रिमूव सिग्नेचर करने पर यस ओके एंड सिग्नेचर हट गया। इसके बाद आप जैसा मर्जी यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो ये डिजिटल सिग्नेचर होता है जो कि आपके एक्सेल के अंदर फाइल में साइन करने के काम आता है। ये एक्सेल में इंपॉर्टेंट कमांड है, इसका यूज किया जा सकता है सिक्योरिटी पर्पज के लिए, ठीक है। तो ये हमारे पास इंसर्ट टैब था, इक्वेशन, सिंबल्स, ये सारे एमएस वर्ड में मैंने आपको बताए हुए हैं, आप वहीं से करोगे इन चीज़ों को। तो जब अगर आपको इसको देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए चैनल की, उसके अंदर एमएस वर्ड पे जाइए, एमएस वर्ड की लगभग 13-14 वीडियोज हमने डाली हुई हैं जिसके अंदर पूरा एमएस वर्ड है, तो आप इसको पूरा कर लीजिए। तो ये हमारा इंसर्ट टैब कंप्लीट हो गया, जो जो इसकी कमांड्स थी। अब हमारा जो नेक्स्ट टैब है पेज लेआउट टैब है। पेज लेआउट टैब की हम सिर्फ एक कमांड करेंगे आज, थीम, बाकी अपनी कमांड्स पेज लेआउट के लिए अलग ही एक क्लास बनाएंगे जिसमें पेज लेआउट को पूरा करेंगे। तो थीम को करने से पहले अगर आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको हमारी सारी क्लासेस रेगुलरली टाइम टू टाइम मिलती रहेगी, ओके। तो चलिए अब अपने चलते हैं हमारी नेक्स्ट पे थीम टैब के अंदर। थीम हमारी जो कमांड्स होती हैं, तो ये हमारे पेज लेआउट टैब में है। थीम का मतलब होता है कि जो फाइल आपकी है उस फाइल का पूरा लुक चेंज कर देना, मतलब उसमें कोई ऑब्जेक्ट इंसर्ट किया हुआ है तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, जो लिखा हुआ उसका फॉन्ट चेंज हो जाएगा, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट है उसके चारों तरफ कोई स्पेशल इफेक्ट लगा रखा है उसके बॉर्डर पर, तो वो स्पेशल इफेक्ट चेंज हो जाएगा। तो उसके लिए अपने क्या करते हैं, एक बार इंसर्ट से हम कोई एक छोटा सा ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर लेते हैं। यहाँ से मान लो मैंने, चलो ये इंसर्ट कर लिया, एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है, इस पर एक स्पेशल इफेक्ट भी मैं लगा देता हूँ जिससे कि ये फॉर्मेट ओपन हुआ और इसमें मैंने स्पेशल इफेक्ट लगा दिया कि भाई इस पर ये स्पेशल इफेक्ट है। चलिए थोड़ा बहुत मैंने इसको चेंज कर दिया और इसके आउटलाइन का कलर मैंने थोड़ा चेंज किया कि भाई ये इस तरीके थोड़ा अलग अलग दिखे। तो मैंने ये फाइल है मेरी, अब अपने पेज लेआउट पे चलते हैं। देखिए थीम, जैसे थीम क्या होती है, जैसे आपके मोबाइल में अगर आप अपने मोबाइल की थीम चेंज करते हो तो आपके मोबाइल का बैकग्राउंड का कलर चेंज हो जाता है, फोटो चेंज हो जाती है, आइकन्स हैं उनका स्टाइल चेंज हो जाता है, आइकन पे जो नाम लिखे हुए हैं जो एप्लीकेशन के वो नाम का फॉन्ट चेंज हो जाता है, तो यानी पूरा लुक चेंज हो जाता है। इसी तरीके से थीम की हेल्प से हम अपनी इस क्लास के अंदर जो भी आपने फाइल बनाई हुई है उस फाइल का क्या कर सकते हैं, पूरा लुक चेंज कर सकते हैं। वो लुक कैसे चेंज होगा, देखिए मैंने थीम पे कहीं भी कर्सर छोड़ दीजिए आप, पहले थीम पे चलते, देखिए जिस थीम पे आप क्लिक करोगे, ये थीम रखी, इसके हिसाब से क्या होगा, ऑब्जेक्ट का कलर चेंज हो रहा। देखिए इस ऑब्जेक्ट को भी चेक कीजिए, इसका कलर चेंज होता रहेगा, पीछे जो हमने टेक्स्ट लिखा हुआ उसका फॉन्ट चेंज होता रहेगा, साइज चेंज होता रहेगा, देखिए ये सब कुछ चेंज करता रहता है अकॉर्डिंग टू हमारी थीम। थीम में जिस हिसाब से दे रखा होगा ना, ये उसी हिसाब से आपका कलर कलर चेंज करेगा। तो यहाँ से अपने थीम को चेंज कर सकते हैं, जो भी थीम आपको अच्छी लगे आप लगा लीजिए, आपका जो फाइल है उसी हिसाब से हो जाएगी। अब देखिए इसमें तीन चीज़ें चेंज हो रही थी, कलर चेंज हो रहा था, स्पेशल इफेक्ट चेंज हो रहा था, बॉर्डर बॉर्डर चेंज हो रहा था। देखिए आपके ऑब्जेक्ट का जो बॉर्डर है ना,
इसके चारों तरफ का बॉर्डर देखिए, इसमें डबल लाइन बॉर्डर है, कईयों में सिंगल लाइन बॉर्डर है, तो तीन चीज़ें चेंज होती है। इन तीनों चीज़ों को आप अलग अलग भी चेंज कर सकते हो। कैसे? कलर पे क्लिक कीजिए, यहाँ से सिर्फ आपकी थीम का कलर चेंज होगा। देखिए यहाँ से आप केवल कलर चेंज कर सकते हो, जो कलर है देखिए मैं चेंज कर रहा हूँ, कलर चेंज होता जा रहा है। तो इधर से सिर्फ कलर चेंज हो रहा है। दूसरा ऑप्शन फॉन्ट है, इससे देखिए पीछे जो लिखा हुआ है, जो टेबल बनी हुई है उस टेबल का फॉन्ट चेंज हो रहा है। देखिए जो लिखा हुआ मैटर है उसका फॉन्ट चेंज होता जा रहा है। और तीसरा है इफेक्ट। अब जब अपने इफेक्ट पे क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए आप कितने जो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया हुआ है इसके बॉर्डर पे इफेक्ट पड़ता है। देखिए ये बॉर्डर यहाँ डबल लाइन का है, मैं इफेक्ट में चेंज कर रहा हूँ, देखिए अलग हो गया। और कोई चेंज करना है देखिए, ये आपका सिर्फ बॉर्डर चेंज कर रहा है इस तरीके से। तो ये हमारे पास क्या है, स्पेशल इफेक्ट। तो थीम के अंदर हम तीन चीज़ चेंज कर सकते हैं, हमारी फाइल में जो भी चीज़, जो भी मैटर लिखा हुआ है या जो ऑब्जेक्ट इंसर्ट किया हुआ है उसके कलर को चेंज कर सकते हैं, जो मैटर लिखा हुआ है उसके फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं, और जो ऑब्जेक्ट है उसका स्पेशल इफेक्ट चेंज कर सकते हैं। ये तीनों चीज़ें अपने इस थीम की हेल्प से चेंज कर सकते हैं।